हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचडी किस तरह से डिज़ाइन की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को समझने के लिए आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ये देखिए, हमने इस तरह से ब्लैंक पेज लिया है। इसको हमने 12x36 का साइज़ दिया है। पीएचडी रेडी करने के लिए हम कस्टम शेप का यूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए यू प्रेस करेंगे और यहाँ से भी हम जा सकते हैं कस्टम से। ये दिया हुआ है, यहाँ से हम कोई भी एक फ्रेम ले लेते हैं। इसको इस तरह से ट्रैक करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। अगर हम इस शीट को कोई भी कलर देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि हम ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। इसमें फ्रेंड देखिए, हम 7 फोटो की पीएचडी रेडी करेंगे। यहाँ से जाएंगे, इसमें हम स्ट्रोक लगाएंगे वाइट कलर का। स्ट्रोक जितना चाहें आप लगा सकते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके कर दिया। ये देखिए फ्रेंड, इतना यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम एक और फ्रेम लेंगे, यहाँ से इस वाले फ्रेम को लेते हैं। फिर से हम उसी तरह से कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे। ये हमारी एक और लेयर बन गई है यहाँ पर। इसमें भी फ्रेंड हम कुछ दे देते हैं स्ट्रोक। इस वाले फ्रेम को यहाँ से ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ लेकर आएंगे। कॉपी बन गई है। इसको सबसे पहले एक फ्रेम हम अपना अलग रख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए इसको और इसको हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे, लॉक कर दिया है। यहाँ पर हम देखिए इस तरह से सेट करेंगे। ये लाइन हम यहाँ पर रखेंगे। 12x36 की शीट यहाँ से कटती है। इसको बैक साइड में डालेंगे इस तरह से। पूरा ब्लैक कर लेते हैं इसको और यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ओके, इस वाले फ्रेम को हम यहाँ पर सेट करेंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम देखिए क्लिक करेंगे बार, और यहाँ से हम इसको इस तरह से ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। एंटर कर देते हैं। ये हमारा एक नया तरीके का स्टाइल बन गया। इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर सेट कर दिया। अब फ्रेंड यहाँ पर बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एम टूल को हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए फैदर आ गया। कंट्रोल प्लस जे करेंगे, इसकी एक कॉपी बनाएंगे। इसको हम कंट्रोल व्यू से ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारा एक शेप्स फैदर वाला बन गया है। इसको हम ठीक से सेट कर देते हैं। यहीं से हम ऑल्ट के साथ देखिए इस तरह से कॉपी करके लाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ और कर लेते हैं। इसको फ्रेंड देखिए ऑल्ट के साथ थोड़ा इधर लेकर आते हैं और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से कम कर देंगे। कीबोर्ड से भी कर सकते हैं इस तरह से।
इसकी बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम चाहें तो कोई भी कलर दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, जो भी हम चाहें। सो फ्रेंड देखिए, इस तरह से हम PSG को डिज़ाइन करेंगे। आप चाहें तो मैं इसमें एक आध पिक भी सेट करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से हम इसमें पिक को सेट करेंगे, तो आगे की फ्रेम में भी हम इसी तरह से सेट करेंगे। इसमें किस तरह से PSG में फ्रेम में लगाते हैं, फ़ोटो किस तरह से ले जाते हैं फ्रेंड, मेरी पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।